गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। तो जो पिछले सेशन में हमने मेंसुरेशन 3D अर्थात क्षेत्र मध्य 3D के कटिंग ऑफ अ स्फीयर अर्थात गोला के कटान के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को भी देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता को पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस एसएससी में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन जब हम बात करें आरआरबी की या फिर आईआईटी की या फिर किसी दूसरे एग्जाम्स की, दोस्तों उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो को देखिए, तब क्योंकि हम जो है प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करके इसे अंत तक पूरा देखेंगे। हमारे इस प्रोबेबिलिटी सेशन के बाद आपको कोई और क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन, दोस्तों आप हमारे ये दोनों सेशन हमारे ये सेशंस को देखकर आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय नष्ट किए हुए चलते हम लोग आज की इस सेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है प्रायिकता, प्रायिकता या फिर आप इसे कह सकते हो संभावना। ठीक है, मान लीजिए कोई एक सिक्का को हम लोग उछलाते हैं। ठीक है, तो जब हम एक सिक्का को उछलाते हैं तो सिक्का में क्या ये जरूरी है कि हमें ये सिक्का का जो है हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा? हमें ये पता तो है नहीं कि हमें जो है सिक्का उसके आने के बाद जो है हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। ठीक है, लेकिन या तो कंफर्म है ना कि या तो हमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हम सिक्का को उछलाते हैं और सिक्के की एक तरफ जो है यदि हेड है तो ये जरूरी होगा कि इसकी जो पिछले साइड होगा वो क्या होगा, टेल होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यह निश्चित नहीं लेकिन संभावना है। ठीक है, और संभावनाएं कितनी है, दो है, क्योंकि या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता जो है, इसकी संभावना जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी, या प्रायिकता बोल सकते हो। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाएगा इसका, चूंकि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एक से जाएगा लेकिन मैक्सिमम कितनी संभावना है, दो। अर्थात जो है एक सिक्का उछलाने पर इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप ये समझिए सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने के पहले, प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के पहले हमें कुछ चीज़ें को जानना होगा। इसमें दोस्तों आपने पढ़ा होगा परमोटेशन और कम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है हम इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, परमोटेशन जिसका अर्थ होता है क्रमचय और कम्बिनेशन जिसका अर्थ होता है संचय। ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्रमचय अर्थात दोस्तों यह जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों ये जो है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और इसका अर्थ होता है चुनना। ठीक है, मतलब हम लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे दोस्तों इसमें हमें जो है कॉम्बिनेशन यूज आने वाला है, जबकि परमुटेशन जो है दोस्तों बस अरेंजमेंट के लिए होता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा दोस्तों कि क्रमचय में जब आप क्रमचय पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो NCR होता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको समझने के लिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए NCR मान लेते हैं कि N का मान 5 है और R का मान 2 है, तो 5C2 का मतलब हो गया दोस्तों क्या, 5 में से 2 चीज़ जो है हमें चूज करना है। ठीक है, 5 में से 2 चीज़ें हमें चूज करनी है। ठीक है, तो 5 में से जब आपको 2 चीज़ें चूज करनी है तो उसे हम लोग लिखेंगे 5C2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, उसको हम लोग समझते हैं पहले अच्छे से, तब जाकर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको 5C2 दिया हुआ हो और आपको इसे सॉल्व करने के लिए बोल रहा हो तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल दोस्तों। ठीक है, एन फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन
-2, और ये दोस्तों ऐसे करके दोस्तों एक तक जाएगा दोस्तों, ठीक है। लास्ट में जब इसका एक आएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से जब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, तो अगर हम लोग को 5 फैक्टोरियल दिया गया है तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 − 1 अर्थात 4, इंटू 5 − 2 अर्थात 3, 5 − 3 अर्थात 2, और 5 − 4 अर्थात 1, ठीक है दोस्तों। अर्थात 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। उसी तरह से अगर आपको बोले इसका मान दोस्तों 120 होगा, उसी तरह से अगर आपको बोले फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 6 का मान क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये जो है फैक्टोरियल 6 का मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ये तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे थे दोस्तों कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था NCR, तो NCR को जब आप सॉल्व करोगे तो NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। अर्थात यदि हम लोग इसको ही सॉल्व करते हैं दोस्तों, 5C2 को सॉल्व करते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, अर्थात फैक्टोरियल 5 बटा 5 में से 2 गया 3, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, या तो फैक्टोरियल 5 को पूरा ही लिख लीजिए, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 को फैक्टोरियल 2 का तो 2 ही हो जाएगा, 2 × 1 अर्थात 2, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया, 2 से जो 4 गया अर्थात 5 × 2 = 10, इसका मान हो गया 10। या फिर आप फैक्टोरियल 3 को भी तोड़ दीजिए 3 × 2, और इसे भी तो तोड़ना पड़ेगा आपको 3 × 2, और इस तरह से आप जब इसे कट कर लोगे तो फिर जो है सेम मान आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे 5C2 है दोस्तों, और यहाँ पर अगर आपको 5C3 दिया गया हो, सॉरी 5C3 दिया गया हो, तो इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि 5 − 3 अर्थात 2, तब इसका मान 5C2 का मान जो है 5C3 के मान के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। दोस्तों इसमें आपको 2-3 पॉइंट याद रखने, वैसे तो हम लोग इसे प्रूफ भी करेंगे दोस्तों, पर आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप इसे याद रखिएगा तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला चीज़ दोस्तों, आपको सबसे पहला चीज़ जो आपको याद रखना है वो इसका फार्मूला है दोस्तों, वो क्या है, NCR, और NCR का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये इसका फार्मूला है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से आपको एक चीज और याद रखना है कि NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n − r के, ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अभी अभी हमने जो आपको बताया था कि 5C3 बराबर होता है, सॉरी 5C3 बराबर होता है 5C2 के, ये इसके इससे ही ये निकल के आया दोस्तों, इससे हमने अभी प्रूफ किया है, ठीक है। अगला आपको याद रखना है दोस्तों कि NC0 बराबर होता है इसका मान 1, कैसे दोस्तों, देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए NC0 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब इसमें से कुछ नहीं जाएगा तो क्या बच जाएगा, n बच जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 0 तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हट जाएगा, n बटा n कट जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 1, जो कि हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको बोले NCN का मान दोस्तों, तो NCN का मान भी दोस्तों 1 ही होगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए n हो गया, ठीक है, बटा n माइनस n अर्थात 0, फैक्टोरियल 0 इंटू फिर क्या हो जाएगा, n, ठीक है, NCN गया, फिर NCN गया, अर्थात इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, NC1 का मान दोस्तों, NC1 का मान n ही होता है, देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए देखिए NC1 है, अर्थात हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग इसको फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, ये तो हमने आपको शुरू में ही बताया था, इसको आप फैक्टोरियल में ही रखिए,
ठीक है, नीचे क्या है n माइनस वन फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल वन का मान तो वन ही होगा, इससे ये गया अर्थात इसका मान क्या आ गया n, जो कि हमने प्रूव कर लिया। मतलब पहला हमने जाना है इसका फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, दूसरा हमने जाना है ये ट्रिक, तीसरा हमने जाना है ये पॉइंट, चौथा हमने जाना है ये, और पांचवा हमने जाना ये। ये पांचों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जब आपका कॉम्बिनेशन का दोस्तों ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तभी आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा। और हमने इतने अच्छे से बेसिक से आपको बताया है कि आपको समझ में आए, हमने सारे पॉइंट्स इसके आपको प्रूफ करके भी दिखाया ताकि आपको जो है आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हो। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक अर्थात प्रोबेबिलिटी की तरफ, क्योंकि कॉम्बिनेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो हमने आपको बता दिया है और उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी बता दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल टू कंडीशन, कंडीशन बटा ऑल कंडीशन, ठीक है। इसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमने आपको एक बताया था सिक्के का एग्जांपल कि मान लीजिए कोई एक सिक्का है, सिक्के को आप उछलाते हो तो सिक्का में क्या आएगा, हमारे पास संभावना, टोटल संभावना कितनी है, टोटल कंडीशन क्या है, दो है। कैसे, एक या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन प्रायिकता क्या है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कंफर्म नहीं है लेकिन आएगा क्या, एक ही चीज आएगा ना, अर्थात इसकी प्रायिकता जो है वो कितनी थी, एक ही कंडीशन हो सकता था और टोटल कंडीशन कितनी थी, दो, अर्थात एक बटा दो, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों मान लीजिए कि आप इससे रिलेटेड कुछ हम लोग इसका और इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। उससे पहले आप इससे में मतलब अभी हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे दोस्तों वो कॉम्बिनेशन के लिए थे, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ लेंगे, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपको डायरेक्ट ही रूप में याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला जो कि आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है, ये आपके माइंड से निकलना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोबेबिलिटी का मान जो है, एक प्रायिकता का मान जो है, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगा, एक से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है प्रोबेबिलिटी की मान, ठीक है, एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आप इसमें फंस जाओगे, ठीक है। मैक्सिमम इसका मान जो है एक हो सकता है और एक से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जीरो का मान दोस्तों मतलब कि कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान दोस्तों वो जीरो आना इम्पॉसिबल है, ठीक है, कभी भी इसकी मान जो है वो जीरो नहीं आ सकती है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, जीरो से कम नहीं हो सकता। अगर कंफर्मेशन भी है तो कंफर्म भी है तो इसका मान क्या आएगा, एक आएगा। जैसे अगर आप एग्जांपल देखते हो कि हमारे पास एक केला है, इसे खाने की प्रायिकता क्या है, एक ही होगी, क्योंकि अगर एक केला है तो एक ही केला खा सकते हैं ना, हमारे पास सिर्फ केला है। पूछा है कि हमारे पास घर में सिर्फ केला है, हमारे फ्रिज में सिर्फ केला पड़ा है, तो हमारे फल खाने की संभावना कितनी है, फल खाने की संभावना चूँकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केला है तो केला ही खा सकते हैं ना, टोटल कंडीशन भी सिर्फ केला ही है, तो एक बटा एक अर्थात एक ही हो गया। मतलब अगर कंफर्म भी होगा तो इसका मान एक होगा, लेकिन यदि कंफर्म नहीं है तो एक उसका मान जो एक से ज़्यादा नहीं होगा और जीरो आना ही इम्पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। कोई भी घटना अगर नहीं हो दोस्तों, कोई भी घटना अगर नहीं घटित हो, नो इवेंट्स अक्यूर, इवेंट्स अक्यूर, देन क्या होगा, अगर कोई भी इवेंट नहीं हो तब उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रायिकता संभव है ही नहीं, ठीक है। जीरो क्यों नहीं संभव है, क्योंकि कोई घटना ही नहीं होगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। अब बोले कि बारिश हुई नहीं है, ठीक है, तो उसकी क्या संभावना है, तो कोई संभावना नहीं है, अर्थात जब कोई घटना घट ही नहीं रही है तो उसकी संभावना क्या होगी, जीरो, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब अगर कोई घटना नहीं घटी तो वह इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसे आप देख भी सकते हो कि मान लेते हैं कोई प्रोबेबिलिटी जो है, सॉरी, कोई घटना जो है वो नहीं घटित हुआ है, तो जब ये नन होगा, ठीक है, तो वन माइनस भी एटलीस्ट वन
कम से कम एक घटना तो घटित होगी, कम से कम एक घटित होगी, और उसमें भी क्या है, नहीं है तो मतलब कम से कम एक घटना घटे, ठीक है, इसके लिए जो है इसका मान जो है ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको आगे देखने से पहले देखिए दोस्तों, हम लोग इसको और अच्छे से समझने के लिए इसे देखते हैं एग्जांपल के साथ। चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, मान लीजिए कोई एक सिक्का उछाला जाता है। जब कोई एक सिक्का उछाला जा रहा है, ये मान लीजिए सिक्का है, इसे जब उछाला जा रहा है तो हमारे पास प्रायिकता कितनी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, मतलब टोटल संभावना कितनी है हमारे पास, दो है। ठीक है, और जब हमें प्रायिकता पूछे तो कोई भी आए, हेड है या फिर टेल है, एक ही आ सकता है ना। टोटल संभावना दो अर्थात एक बटा दो, ये तो एक सिक्के के लिए हो गया दोस्तों। लेकिन आप देखिए टोटल संभावना कितनी होगी इसमें, दो, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अर्थात अब यदि हमें दो सिक्का उछाला जाए, ठीक है, जब हमें जो टॉस उड़ाया जाए, दो टॉस उड़ाया जाए, तो अगर एक और एक दो दो है तो टोटल संभावना कितनी होगी, तो टोटल संभावना जो है दोस्तों दो के पावर दो हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए अब हमारे पास दो सिक्का है, ठीक है, तो या तो हम दोनों सिक्का उछालें तो एक में हेड है दूसरे में टेल आएगा, ठीक है, या फिर दोनों में है जो हेड या हेड आएगा, या फिर पहले वाले में टेल है दूसरे वाले में हेड है, या फिर दोनों में ही टेल है। ठीक है, यही चार संभावना तो बन रही है ना जब हम दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं तब। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से जब दो सिक्का था, जब एक सिक्का था तो टोटल संभावना दो थी, जब दो सिक्का हुआ तो दो के पावर दो, टोटल संभावना कितनी हो गई, चार। लेकिन मान लीजिए यदि तीन सिक्का उछाला जाए तब उसकी टोटल संभावना कितनी हो जाएगी, दो के पावर तीन। ठीक है, कैसे, अर्थात आठ संभावना हो जाएगी। कैसे, या तो तीनों में हेड आए, या फिर तीनों में टेल लाए, ठीक है, या फिर पहले वाले में हेड आए बाकी दो में टेल आए, या फिर पहले वाले में टेल आए बाकी दोनों में हेड आए, या फिर पहले वाले में भी हेड दूसरे वाले में भी हेड और तीसरे वाले में टेल आए, या फिर पहले 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 वाले में हेड दूसरे वाले में टेल और लास्ट वाले में फिर से हेड आए। उसी तरह से अगर आप उल्टा चलते हो, ठीक है, तो मान लीजिए पहले वाले में टेल आ रहा है बाकी दोनों बाद वाले में हेड आ रहा है, कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक और छूट रहा है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए क्या आगे भी हेड है और सॉरी आगे भी टेल है, बीच में हेड है, फिर से टेल है। ठीक है, तो इस तरह से है जो दोस्तों टोटल जो है आठ कंडीशन बने ना इसमें। ठीक है, तो जितने भी हमको टोटल संभावना निकालने हैं सिक्के के लिए, उसमें क्या हो जाएगा, दो के पावर हम उतना करते जाए, अगर एक सिक्का है तो दो के पावर दो, दो टोटल दो पड़ रहा है कंडीशन, ये बेसिक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग दो सिक्का उछाले तो दो के पावर दो अर्थात चार संभावना बनेगी टोटल। उसी तरह से अगर दो तीन सिक्का उछाला जाए तो दो के पावर तीन अर्थात टोटल कितनी संभावनाएं बनेगी, आठ संभावनाएं बनेगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें यदि आपको एग्जैक्ट बोला जाए दोस्तों कंडीशन पे, अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि कोई क्वाइन जो है, कोई दो दो सिक्का जो है वो उछाला जा रहा है, तो एग्जैक्टली एक हेड आने की, मतलब मान ली दो सिक्का उछाला जा रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्टली एक हेड आने की क्या संभावना बनती है, तो देखिए टोटल संभावना कितनी है, दो के पावर दो अर्थात टोटल संभावना तो हमको मालूम है, लेकिन बोल रहा है एग्जैक्टली एक ही हेड आए तो उसके लिए क्या है, या तो ये होगा कंडीशन या फिर ये वाला कंडीशन होगा, अर्थात दो दो संभावना है क्योंकि एक ही हेड आने की बोल रहा है, दो बटा टोटल संभावना अर्थात चार, अर्थात इसका मान भी क्या हो जाएगा, वन बटा टू। लेकिन आपको बोले कि उसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक हेड आए, तो जब कम से कम एक हेड आए तो दो भी तो आ सकता है ना, अर्थात एक दो तीन हो गया, अर्थात तीन बटा चार हो गया। कहने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि जैसा आपको क्वेश्चन दिया हो, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हो उसके अनुसार जो है हमारी प्रोबेबिलिटी जो हमारी प्रायिकता जो है बदलते रहती है। जैसे देखिए इसमें हमने दो ही सिक्का को उछाला था, लेकिन पहला क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि एग्जैक्टली एक ही हेड आए, तो एक ही हेड आए इसके लिए दो ही कंडीशन थे,
दो ही बार हो सकता था, पहले वाले में दूसरे वाले में टेन, दूसरे वाले में टेन पहले वाले में हेड, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो इसका मान एक बटा दो आ गया, लेकिन बोले कम से कम एक हेड है, तो उस कंडीशन में हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/4 हो गई, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आप जैसा जैसा कंडीशन क्वेश्चन में देगा, वैसे वैसे क्वेश्चन का कंडीशन जो है वो, उसका आंसर जो है वो चेंज होते जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे रहा है कि तीन सिक्का जब एक साथ उछाला जा रहा है, तो यदि हमें बोले कि इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि तीनों पे जो है वो हेड ही है, तो तीनों में हेड ही है, ऐसा कितने कंडीशन बन रहे हैं, बस यही ना एक बन रहा है, अर्थात इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/8, क्योंकि टोटल कंडीशन कितने थे, टोटल कितने बन रहे थे, 8, अर्थात इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। लेकिन यदि हमसे बोले कि इसकी क्या संभावना है कि कम, मतलब इसकी क्या संभावना है कि दो हेड आवे, एग्जैक्टली दो हेड आवे, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 4 हुआ ना, 4/8, 4/8, अर्थात इसका मान क्या हो गया, 1/2, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज की सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने जो है प्रायिकता को समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना, ताकि हम लोग प्रोबेबिलिटी समझ सके, और उसके बाद हमने जब प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे जिससे आपको समझ में है, इससे रिलेटेड हमने इसके फार्मूलाज भी देखे, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी देखे जो कि आपको याद रखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कल हम लोग फिर मिलेंगे और प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे। और अभी तो हमने सिर्फ बेसिक देखा है, हम लोग जो है इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ढेर सारा एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के कॉन्सेप्ट और मेथड को सीखने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।